बिहार सरकार 15 वर्ष पुराने नगरपालिका कानून में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 23(1) और धारा 25 में संशोधन करने की आधी औपचारिकता पूरी कर ली गई है। कानून में संशोधन की प्रक्रिया पूरी होते ही बिहार के 263 नगर निकायों में मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का चुनाव निकाय क्षेत्र के मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष किया जाएगा। धारा 23(1) में अभी तक यह प्रावधान था कि वार्ड पार्षद अपनी पहली बैठक में बहुमत से मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद चुनते थे। संशोधन के बाद नगर निकाय क्षेत्र के मतदाता सीधे मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद को चुनेंगे। धारा 25 में मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद के खिलाफ 1/3 पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान था। संशोधन के बाद अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता और ये विसंगति समाप्त हो जाएगी। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद, नगर परिषद के सभापति व उप सभापति और नगर निगम के महापौर व उप महापौर बनने के लिए वार्ड पार्षदों के बजाय उम्मीदवार अब सीधे निकाय क्षेत्र के मतदाता से जिताने की अपील करेंगे। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत पहले मतदाता वार्ड पार्षद को चुनती थी। इसके बाद संबंधित निकायों में वार्ड पार्षदों के बीच से मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का चुनाव होता था। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23(1) और धारा 25 संशोधन प्रक्रिया में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट और राज्यपाल की मुहर लग गई है। अब कानून में संशोधन को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार अध्यादेश लाने जा रही है। दरअसल विधानमंडल का बजट मार्च में प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में सरकार ने 2 महीने इंतजाम करने के बजाय कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह पहल राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव संबंधित तैयारियों को ध्यान में रखकर किया है। नया कानून सभी 263 नगर निकायों में लागू होगा। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23(1) और धारा 25 में संशोधन के बाद वार्ड पार्षदों की खरीद परोक्त पर अंकुश लग जाएगा। वार्ड पार्षदों की मनमानी अब नहीं चलेगी। पहले वार्ड पार्षदों के मनमानी की शिकायत काफी अधिक थी। पहले चुनाव के 2 वर्ष पूरा होते ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर विकास कार्य को बाधित करते थे। संशोधन कानून में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्याशी किसी राजनीतिक दल के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही किसी दल के झंडा, बैनर या प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे।